दोस्तों कैमरा में यही पावर होता है कि देखते ही बोलती सच्चाई छुप जाती है, सच्चाई छुप जाती है। क्यों सर? रवि जी से मिले हैं, देखिए तीखी नजरों से देख रहे हैं दोस्तों। राधे राधे आप सभी को, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी मैं नाइट ड्यूटी करके अपना मशीन सब समेट करके, देख सकते हैं ये सब मशीन का केवल मैं अपना समेट करके और मैं अपने रूम जाने की तैयारी कर चुका हूँ। और अभी भी बाहर में अंधेरा है क्योंकि अभी 7:15 बज रहे हैं। देखिए घड़ी, घड़ी में देखिए टाइम, अभी 7:15 बज रहे हैं। तो अभी भी अंधेरा है बट निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज जाना है साइट की, इसीलिए मुझे निकलना पड़ेगा। दोस्तों एक बहुत दुख की बात है कि मैं प्लान कर रखा था कि मुझे बनारस जाना है। सोनू भैया मुझे कॉल किए थे कि बनारस आना है 31 तारीख को, तो मैं प्लान किया था कि आज ड्यूटी कर करके ऑफिस में उसके बाद शाम में निकल जाऊँगा ट्रेन पकड़ के बनारस के लिए। टिकट भी बना लिया था दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम मैं जीवन में तत्काल काटा, वो भी कट गया, कैंसिल कर दिए रात में टिकट कैंसिल कर दिए। वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बट मेरा बहुत मन था कि बनारस घूमते और बढ़िया था क्योंकि आदमी मतलब इकट्ठा 2-3-4 आदमी घूमने में मज़ा आता है। बट अफसोस कि मुझे अपनी ड्यूटी को देखना पड़ा क्योंकि जब ड्यूटी करेंगे तभी तो पेट में रोटी मिलेगा ना, वो घूमने के चक्कर में पता चला रोटी भी नहीं मिलेगा, कितना घूमिएगा बिना पैसे के। तो खैर छोड़िए, बहुत बुरा लगा बट क्या कर सकते। और अभी फ़िलहाल मैं साइड पे हूँ तो अभी चलता हूँ रूम, सोचा कि यहीं से ब्लॉग अपना शुरू करूँ। तो चलिए अभी से ब्लॉग शुरू करते हैं, पहुँचते हैं रूम, रूम पहुँच के वहाँ का नज़ारा आप लोगों से दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने रूम पे और टाइम हो चुका है 7:15। और बताइए बंद कर गाना, टाइम हो चुका है 7:15। बताइए अभी हमको 9 बजे ऑफिस पहुँचना है। अभी आकर के मैं फटाफट बैग पैक किया हूँ, हेलमेट निकाला हूँ, ये सब किया हूँ ताकि लेट ना हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, जा रहा हूँ नहाने। वैसे तो मेरा नहाने का मन नहीं था लेकिन मेरा चड्डी बनियान सूख गया है तो नहाना पड़ेगा। और ये लड़का देखिए सब्जी बनाने में लगा है। हम सब्जी बनाए गाइस, आज ये सब्जी बना रहा है। हटाओ थोड़ा, दिखाओ अपना सब्जी कैसा कैसा है, जूठा है पूरा। कट हाँ, इसलिए तो नया टाइम धोख रहा था। चाय पीना कोई जरूरी है? बुढ़ा हो गया था, जिंदगी लंबा रहता चाय पीने से, पता है जिंदगी लंबा रहता है चाय पीने वाला। जो जो चाय पी रहा हो ध्यान दे भाई, जो नहीं चाय पी रहा हो चाय पीना शुरू कर दो, ऐसा ऐसा एक्सपर्ट रहेगा तो मान करवा देगा। तो चलिए दोस्तों अभी नहाते हैं और नहा करके फिर तैयार होते हैं, पूजा पाठ करके चले। तो पूजा करके चले गए, देखिए उनका धूप जल रहा है, पूजा करके गए हैं जो। अब मैं पूजा करूंगा, अभी वो गए मंदिर में, उसके बाद वो आएंगे क्योंकि उनको भी जाना है, हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। तो फिलहाल चलिए नहाते हैं, नहा करके फिर आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो मैं अभी नहा धोवा करके अपना पूजा पाठ कर लिया हूँ और देखिए हमारा धूप भी बुझ चुका है। मतलब सोच सकते हैं कि कितना देर हो गया मुझे पूजा पाठ किए। पूजा करने बाद चंदन टीका करता हूँ, भगवद गीता पढ़ता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। और मेरे रूम में देख सकते हैं पूरा कोहरा लगा हुआ है। ये कोहरा काहे का लगा हुआ है? मतलब ये धूप जलाया है उसका लिए कोहरा लगा हुआ है। चाचा जी गए हैं पूजा करने, अभी तक वो आए नहीं है। और देखिए हमारा खाना निकल चुका है, नाश्ता। चलिए हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपना टिफिन पैक करेंगे और मेरा बैग भी पैक रेडी है एकदम, सब कुछ पैक वैक कर करके रखे हैं। सिर्फ उसमें चप्पल रखना है अपना, क्योंकि चप्पल भीगा हुआ था पहन करके नहाए थे, तो उसको पन्नी में करके रख लेंगे। और खाना खा करके अपना टिफिन भी खाना पैक कर लेंगे और निकल पड़ेंगे क्योंकि रास्ते में पता नहीं कहाँ कहाँ गाड़ी रुकेगी, खाने के लिए नहीं रुकेगी। तो अपना व्यवस्था अपने साथ लेकर के चलो तो ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। तो चलिए पहले खाना खा ले फिर ऑफिस पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने ऑफिस पे। इतना फोन गया था यहाँ से, इतना फोन गया था, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब यहाँ आए तो मेल ही नहीं आया, उधर से क्या निकलूँ मैं। गाड़ी देखिए आकर के खड़े हैं और ये हमारे वकील साहब की टुक टुक है, रवि शास्त्री। रवि जी से मिले हैं, देखिए तीखी नजरों से देख रहे हैं दोस्तों, तीखी नजरों से देख रहे हैं। क्यों चंदन सर? और ये हमारे चंदन सर बहुत ही ज्यादा प्यासे हैं अभी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। अब पता नहीं अभी तक तो मेल आया नहीं है, वहाँ कहाँ से बर्फ के बाद मिलेगा भाई साहब? बर्फ ही बर्फ है वहाँ पे। हमारा एक मित्र है शांतनु जो बोल रहा है कि मैं बर्फ में तैर रहा हूँ वहाँ पे। हाँ वकील साहब, और आप हमारे सब्सक्राइबर कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना क्या चाहेंगे, ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, टायर निकालिए फिर। तो दोस्तों अब देखिए हमारा क्या प्लान होता है, हम निकलते हैं तो आप लोगों को बताते हैं। अभी तो फिलहाल मैं अपना सारा कुछ रेडी कर लिया हूँ। फाइनली दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं साइड के लिए और हम लोग को काफी मशक्कत करने के बाद बोला अभी यार चाचा के गोदी में बैठ जाना, तू फालतू का मेरे को हेडेक दे दिया, बैग यहाँ। और अभी हम लोग निकले हैं, हम लोग 4 जने हैं, चंदन सर हैं, वकील साहब हैं,
इधर गुरु है, हमारे चाचा जी हैं और हम हैं, चार लोग हैं। और अभी हम लोग निकले हैं, अभी तो 12 बज रहे हैं, पता नहीं पहुंचने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों। और भूख भी लगा है, तो गाड़ी में चलते चलते बोल रहे हैं कि खाना पड़ेगा, गाड़ी वाड़ी नहीं रुकेगी बीच में। आज चंदन सर गाड़ी वाड़ी नहीं रुकेंगे ना बीच में? बिल्कुल गाड़ी वाड़ी बीच में नहीं रुकेगा, गाड़ी में बैठ के खाओ। फोन करो कुलदीप शर्मा को, बोल लो कि भाई हम निकल गए, ये तो ऐसे 8 बजे पहुंचेंगे। तुम लोग इसे मेल भेजे हो ना, और सुनो ये बोलते ना रहने में। चलिए दोस्तों पहुंचते हैं, क्योंकि चंदन सर का भी कथा चल रहा, तो चलो सुन ले। ठीक है, हमारा आधा सफर पूरा हो चुका है, आधा बाकी। और अभी हम खाना खाने के लिए रुके थे, कहे कि हमको भूख लग गया था, और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है। और देखिए चंदन सर मुस्कुरा रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं? बोलो उधर, बोलो इधर, क्या बोल रहे? देखो मुँह घुमा ले रहा है। बोलिए। नहीं कुछ भी नहीं बोलेंगे दोस्तों, कैमरा में यही पावर होता है कि देखते ही बोलती बंद, सच्चाई छुप जाती है, सच्चाई छुप जाती है। क्यों सर? दोस्तों अभी खाने पीने के लिए हम रुके थे, अभी देखिए हाईवे किनारे ये फौजी ढाबा में, अब पता नहीं लोग कुरकुरे चिप्स का डब्बा ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे दोस्तों। फिलहाल अभी खाना पीना खाया हुआ, बहुत दिनों को भूख लग गया था, क्योंकि 3 बज गया था, सुबह 9 बजे का ही खाया हुआ खाना। बोले अंततः कि रोकिए अब गाड़ी खा लेते हैं, और यहाँ से 3-4 घंटे का और सफ़र है, पर चलिए पहुँचते हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, पहुँच के फिर आप लोगों को बताते हैं कि हम कितने बजे पहुँचे, सफ़र मेरा कैसा रहा। फाइनली दोस्तों मैं खाना खा करके आ गया हूँ, और ये कंबल के अंदर घुसा हुआ हूँ, लेकिन ये कंबल से ठंडी जाने वाला नहीं है, पैरों में तो ठंडी लग ही रही है। मेरे पास बेडशीट है, बेडशीट चिपका कर तो सोना पड़ेगा। और अभी सुभाष जी और दीपक आने वाले हैं, तो उनकी ट्रेन आने वाली है 1 बजे, और वो हमको बोल रहे हैं आने के लिए। मैं नाइट ड्यूटी करके आया था, फिर आज मैं पूरा दिन सफ़र करके आया हूँ, अभी नाइट में मैं अगर जाऊँगा तो यहाँ से 35-40 किलोमीटर है, 35-40 किलोमीटर जाना आना मतलब 2 घंटा वैसे मरना है, 1 घंटा वैसे मरना है, 3 घंटा। अब सुबह हो जाएंगे, 3 बज जाएंगे, कल सुबह मुझे फिर 8 बजे ड्यूटी भी जाना है, नाइट डे में ड्यूटी भी करनी है। तो देखिए अभी तो मैं मना कर दिया हूँ कि मैं नहीं आऊँगा, बाकी अगर कोई नहीं जाएगा तो फिर लास्ट ऑप्शन तो मुझे बनना ही पड़ेगा, बट देखते हैं। और मेरा आज का यही कथा है दोस्तों, आज की यही कहानी है, यही हमारे दस्तूर है दोस्तों। और ये देखिए मेरा बैग वैग रखा हुआ है, क्योंकि मुझे कल वापस जाना है दूसरी जगह पे, तो मैं बैग से ज़्यादा कुछ सामान निकाला नहीं हूँ, जो कपड़ा पहना वही कपड़ा पहने सो जाऊँगा, ज़्यादा होगा तो इधर पे बैठ सो जाऊँगा। और चलिए फिर आज का मेरा यही दिनचर्या रहा है पूरा दिन का, और अब आज का ब्लॉग इधर ही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।